उम्र 72 बरस, दुबली पतली काया, बालों में सफेदी आ गई है और बिनाई भी कमजोर हो चुकी है, लेकिन जज्बा किसी युवा से कम नहीं। जी हाँ, चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के कर्मा की भंडारडीह की रहने वाली सरस्वती देवी की। सरस्वती देवी का जन्म 15 अगस्त 1947 को सिंहपुर पंचायत के कर्मा भंडारडीह में लाल बिहारी सिंह के घर में हुआ। देश की आजादी के दिन पैदा हुई सरस्वती आज भी लोगों को सांगा प्रथा से आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। सांगा प्रथा वो प्रथा है जिसमें पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह करने और महिलाओं का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र थे। इस प्रथा से महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। ऐसे में सरस्वती ने सांगा प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। सरस्वती के साथ भी कुछ ऐसा ही था। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी मौसेरी बहन पर अपने जीजा के द्वारा किए जा रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें थप्पड़ भी खाना पड़ा, लेकिन आखिरकार उनके जीजा को उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा। सेवा भावना के लेके मैं 14 साल की उम्र से ही मैं इस क्षेत्र में आई हूँ, क्योंकि मेरे ममेरी बहन के साथ जो अत्याचार हो रही थी, उस अत्याचार के खिलाफ मैं खड़ी हुई और उसमें मुझे जो है सो मुझे जीत हासिल हुई। हमारे जीजाजी को जीजाजी समझे कि हाँ, स्त्री भी कोई चीज होती है, उन्हें बराबर की हिस्सा मिलनी चाहिए और अभी अच्छी तरह से वे हमारे दीदी को रखने लगे। सरस्वती किशोर अवस्था से ही घर घर गांव गांव घूमकर एकल महिलाओं के हक और अधिकार के लिए उनको जागरूक करती है। उन्होंने अकेले कसमार प्रखंड सहित पूरे जिले में लगभग 2000 एकल महिलाओं को जोड़कर एक संगठन बनाया है। मैं महिलाओं को सबसे पहले तो अपनी अधिकार को जानने के लिए ये करती हूँ कि महिलाओं की अधिकार क्या क्या है। अगर वह अधिकार को नहीं समझेगी तो वो अपने आप को खड़ा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबसे पहले जागरूकता है। अगर मैं जानूंगी कि हाँ, मेरा हक बराबर का है, तो महिलाएं ये करेंगी। उसके बाद मैं आर्थिक स्थिति पर सुधार की कि आर्थिक स्थिति जब सुधार होगी तो किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा और न किसी को ही करेंगे। पुरुष के पास अगर हाथ फैलाते हैं तो वह बसीभूत होके कभी मार फटकार सुनना पड़ता है। अगर मेरे हाथ में पैसा रहेगा तो जरूरतमंद जो चीज़ों को मैं ले पाऊंगी। ये सभी महिलाएं सरस्वती को दीदी कहकर पुकारती हैं। लड़ाई झगड़ा कर होता है तो मजबूत करती है, जाके समझाती है दीदी सबको कि ऐसा अच्छा होगा वही करो, थोड़ा सा सबको मारपीट होता है तो ऐसे दीदी बोलती है कि अच्छा होगा उसी इसी तरह से, मतलब काहे इस तरह करते हैं, क्या है इसको डाइन बोलते हैं, ये तो एक केवल नारी है, अगर डाइन ही होगी तो फिर कैसे ही चलेगा। इसी तरह बहुत मजबूत कर रही है, बहुत जागरूक कर रही है। हम लोग ग्राम संगठन में मतलब कि गांव में 2 बार बैठक करते हैं, दीदी भी रहती है साथ में, समझाती है कि इस तरह का पैसा रखना है, किस तरह का ऋण लेना है, किस तरह का चलाना है ग्रुप, किस तरह आगे महिला जागृत होंगे, इसी के बारे में बताती है। दीदी यानी सरस्वती सिंह ने एकल नारी सशक्ति संगठन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है और यही वजह है कि आज उनके इन कार्यों के लिए दिल्ली, पटना और रांची के कई संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है और बड़े ही गर्व के साथ वो अपने बुढ़ापे में भी समाज हित में और लोक हित में लगी हुई हैं। जिस क्षेत्र में काम की हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर की क्षेत्र में काम की हूँ और वहाँ पर ये आपका छुटनी महतान के साथ जो हुआ है, उस समय मैं फ्लैक में काम करती थी। फ्लैक फ्री लीगल एड कमिटी जमशेदपुर में थी, उसी में मैं काम करती थी। उसके बाद मैं आदर्श सेवा संस्थान में काम की और वहाँ जो अत्याचार होते वे लोग जो है सो जिंदा काट देते थे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।